प्रणाम, अपने सब लोकन के शिक्षक दिवस के शुभकामना। श्री कृष्ण सबसे पैघ शिक्षक छला आ ओ गीता के माध्यम से संपूर्ण विश्व के अनंत ज्ञान दिलैत अछि। आई हम अहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत छी गीता के 8वें अध्याय के सार लऽ कऽ, जकर नाम छै अक्षर ब्रह्म योग। और ई मैथिली गीता डॉक्टर जनक किशोर लाल दास द्वारा रचित मैथिली गीता से लेल गेल छै। शुरुआत में एकटा श्लोक छै, अहि हेतु अहाँ सदैव हमरा स्मरण करू आ युद्ध करू। जो अहाँक मोन आ बुद्धि हमरा दिस एकाग्र रहल तो अहाँ निसंदेह हमरे प्राप्त करब। प्राचीन काल सँ परमात्माक स्वरूपक भिन्न भिन्न कल्पना में साँच कोन अछि आ ओकर तथ्य की थिक, एहि पर चर्चा होइत रहल अछि। वेहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क उद्दालक आरुणि के कहलथिन जे सब प्राणी में, सब देवता में, समग्र अध्यात्म में, सब यज्ञ में, सब देह में व्याप्त भय सबके नचवे वाला एक परमात्मा छथि। वेदांत सूत्र में सेहो एहि बातक पुष्टि भेल। एहि सिद्धांतक आलोक में भगवान आब अर्जुन के कहैत छथिन जे सब प्राणी में अधिभूत, सब यज्ञ में अधियज्ञ, सब देवता में अधिदेवत, सब कर्म, सब वस्तु में सूक्ष्म अर्थात अध्यात्म स्वरूप में एकेटा परमेश्वर समायल छथि। 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछे छथिन, ब्रह्म की छथि, अध्यात्म की थिक, कर्मक अर्थ की भेल, अधिदेव ककरा कहल जाय छै आ अधियज्ञ केहन होइत छैक, आ इहो पूछलथिन जे अनंत काल में संयमी व्यक्ति अहाँ के केना के चिन्हत। पिछला अध्याय में भगवान एहि शब्दक चर्चा कयने छलथिन मुदा ओकर व्याख्या नहि कयने रहथिन। एहन गंभीर प्रश्नक उत्तर भगवान अत्यंत सरल, संक्षिप्त, सोझ ढंग से बतबैत छथिन। भगवान कहलथिन जे जकर विनाश नहि से ब्रह्म भेल। प्रत्येक वस्तुक मूल स्वभाव अध्यात्म कहबै छै। सृजन व्यापार कर्म थिक, नाशवान पदार्थ अधिभूत अछि, आ एहि सब पदार्थ मे जै सचेतन पुरुष वा अधिष्ठाता निवास करैत छथि सैह अधिदैवत छथि। सब भूत प्राणी में हमही व्याप्त छी। एहि भाव सँ जे मृत्युक समय हमर ध्यान करैत छथि तो अंतिम समय में ओ ओहि स्वरूप के चिन्ह जाइत छथि। जे हमरा में लीन भऽ जाइत छथि, कोनो इच्छा नहि करैत छथि, हमर एहि स्वरूप के नित्य ध्यान करैत छथि तऽ ओ हमर ओहि स्वरूप के प्राप्त कऽ लैत छथि। एहि हेतु भगवान अर्जुन सँ कहैत छथिन जे अहाँ मोन बुद्धि सँ हमरा नित्य स्मरण करू। यदि चित्त स्थिर नहि रहय तऽ अभ्यास करू। मृत्युक हेतु मनुष्य के पूर्वहि सँ तैयारी चाही। 8वें अध्याय में बताओल गेल अछि जे विचार मरवाक समय प्रबल रहैच वह अगला जन्म में बलवंत भऽ जाइच। एहि जन्म भरी कमाई अगला जन्मक यात्रा हेतु बट खर्चा भऽ जाइच। मृत्यु यद्यपि सदैव पाछू में ठाढ़ रहैच तथापि हम सब ओकरा बिसरबाक यत्न में लागल रहैत छी। एहि हेतु बाल्यकालहि सँ नीक संसारक संचय होयबाक चाही। संस्कार संचय इएह जीवनक परिभाषा थिक। मोन वचन कर्म के जे संयमित रखैत छथि, राग द्वेष सँ दूर रहैत छथि, सांसारिक विषय वासना के त्याग हमर सतत स्मरण करैत छथि, ओ व्यक्ति परम पद के प्राप्त करैत छथि और जन्म मरणक चक्कर सँ छूटि जाइत छथि। कहल गेल अछि जे उत्तरायण के शुक्ल पक्षक दिन में मरैत छथि ओ पुनर्जन्म सँ बाँचि जाइत छथि, मुदा जे दक्षिणायन में कृष्ण पक्षक राति में मरैत छथि हुनका पुनर्जन्मक चक्कर लगले रहैत छनि। एहि रूपक के पढ़ि बहुत व्यक्ति भ्रमित भऽ जाइत छथि। विनोबा जी एकर दोसर ढंग सँ व्याख्या कयलनि अछि। मरण काल तक सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि देवताक कृपा रहक चाही। अग्नि कर्मक प्रतीक छथि, अर्थात मरण काल तक कर्म होइत रहे। सूर्य ज्ञान आ बुद्धिक प्रतीक छथि, अंत समय तक ज्ञानक प्रभा चमकैत रहे। ज्ञानक तात्पर्य भेल आत्मा परमात्माक ज्ञान, अंतिम क्षण तक परमात्माक स्मरण होइत रहे। चंद्रमा कृपाक अर्थ भेल भक्ति, प्रेम, उत्साह, दया, परोपकार आदि पवित्र भावनाक विकास। ई सब भावना अंतिम क्षण तक बनल रहे।
कृष्ण पक्षक अर्थ भेल अज्ञान, वासना, आसक्ति प्रबलता, हृदयाकाश वासना, आलस रूपी मेघ सँ मुक्त रहे, अंतिम समय तक सेवा कार्य होइत रहे, ई भेल भावनाक पूर्णिमा। एहि तरहक मृत्यु भेला पर परम पद प्राप्त होइत छै, मुदा एहि तरहक मंगलमय मृत्यु हेतु राति दिन सावधान रहे पड़ैत छैक, मोन पर अशुभ संस्कार नहि पड़े, ताहि हेतु परमात्माक सतत प्रार्थना करैत रहक चाही। संक्षेप में उत्तरायण आ शुक्ल पक्ष निष्काम सेवा मार्ग आ दक्षिणायन आ कृष्ण पक्ष वासना युक्त स्वार्थ मार्ग भेल। ज्ञान मार्ग सँ चलै वाला के मोक्ष आ अज्ञान मार्ग पर चलै वाला के पुनर्जन्म निश्चित छैन। प्रणाम।